हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। जैसे कि आपने देखा कल गांधी म्यूजियम का था ब्लॉग मेरा, और गांधी म्यूजियम का ब्लॉग 2 ये रहेगा गाइस। जैसे कि वो पूरा काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया था, तो इस वीडियो को मैं अभी इस ब्लॉग में ही आपको पूरा दिखाऊंगा, जो लास्ट का पार्ट था और लास्ट के जो गांधी जी की हिस्ट्री थी वो इसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। कंटिन्यू बने रहो वीडियो के साथ, और बताना गाइस कैसा ये ब्लॉग बना मेरा, कैसा लगा आप लोगों को। और चलो चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी जितना बाकी है वो पूरा दिखाते हैं, चलो बाय। तो गाइस देखिए कैसे कैसे यहाँ पर ओल्ड टाइप की है, देख सकते हैं गाइस, काफी ही अच्छा है। तो दोस्तों एक और ये भी देखने लायक जगह है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है, ये देख सकते हैं गाइस। इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखने की मैं कोशिश करूंगा गाइस। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये काफी ही अच्छा है। और वॉल तो दिख रही नहीं है दोस्तों, तो ये अंधेरे में है, काफी अच्छा है। लेकिन इसमें टोटली ओल्ड स्टोरीज लिखी हुई है, देख सकते हैं काफी गोल बना हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूँ, देखिए अभी मैं 22वें रूम में आया हूँ। यहाँ पर टोटल 39 है, कौन टोटल 29 रूम है, तो 29 रूम में समझाया गया है कि अभी मैं 22वें आया हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप ये एयरफोन लगाएंगे काम में कान में, और आपको ये गांधी जी के बारे में जो भी है वो बताया जाएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो है, देख सकते हैं गाइस आप। और हमारे प्यारे बापू गांधी जी, देखिए गाइस, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। ये टोटल हिस्ट्री ऑफ गांधी जी है गाइस, आप देख सकते हैं गांधी जी के टाइम पे ये हुआ करता था, ये टोटली इसमें समझाया गया है। तो आप पूछ करके इस वीडियो को रोक के देख लेना गाइस। तो गाइस यहाँ इस टाइप की कुछ डिजाइन बनाए हुए देख देख सकते हैं। इस टाइप की गांधी जी की यहाँ पर मूर्ति है गाइस, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अंधेरा, और जैसे हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइट ऑन होगी, देखिए गाइस। जैसे हम एकदम क्लोज में जाएंगे सनसेट सिस्टम लाइट दूर होगी तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, देखिए गाइस। और ये भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिया गया है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर तो लाइट नहीं है, शायद वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, जैसे मैं क्लोज में आऊँगा तो लाइट ऑन हो जाएगी गाइस। तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर का ये है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा ये डिजाइन है, और आप देख सकते हैं तमाम तो फिर से एक बार गाइस सभी जहाँ भी जिस भी रूम में, जी जी
तो गाइस यहाँ पर से इसमें फ्लैश देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है टोटली काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं वॉल पे काफ़ी अच्छा गाइस, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस यहाँ पर आके। इतने सालों से राजकोट गुजरात में हूँ तो मेरे को आज ये सब देखने को मिला गाइस, वो सब आप लोगों की वजह से गाइस। काफ़ी अच्छे से ओल्ड डिज़ाइन यहाँ से फोकस देके बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये गांधी म्यूजियम राजकोट में गाइस, त्रिकोण बाग के जो जस्ट आप त्रिकोण बाग में आएंगे तो त्रिकोण बाग के सामने रहेगा गाइस। गाइस देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है और अभी अंदर जाता हूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये चरखा बराबर। तो गाइस इसमें गांधी जी वो कपड़ा बनाते थे कुछ ऐसा ही बुनते थे, मैंने पूछा इनको तो मेरे को तो पता नहीं गाइस। तो काफी अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइस ये भी फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पे टोटली, ये दिया गया है कि कीप योर मोबाइल साइलेंट, ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और यहाँ पर भी गांधी जी के बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी धर्म सत्य के प्रकटीकरण को यहाँ पर तो है कि आप गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोस्तों अभी टाइम नहीं है तो मेरे को अभी जाना होगा और मैं अभी पहुँच ही गया हूँ लगभग, अब थोड़े से ही बाकी है बस। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रखा हुआ है, इतना पुराना आप देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं गांधी म्यूजियम और अभी तो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इतना ओल्ड बिल्डिंग और काफ़ी अभी बहुत ही अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। तो गाइस देख के आप आराम से यहाँ पर छोटे छोटे चेयरें भी लगाई है देख सकते हैं और यहाँ पर आप बैठ के आराम से गांधी जी के बारे में सुन सकते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले में आप टोटली गांधी जी के बारे में आराम से टाइम लेके आके बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो दोस्तों टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आया तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा चलो ये भी दिखाना चाहिए। तो देखिए गाइस मैं राजकोट में हूँ और आपको जो भी लगे बताइए, मैं राजकोट में उस जगह जाऊँगा। गांधी जी के टाइम के देख सकते हैं चरखी, कपड़ा भी
दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाया गया है गांधी जी का। तो गाइस देख सकते हैं गांधी जी की हमारी काफ़ी ओल्ड मूर्ति है बनाई हुई और काफ़ी अच्छी है देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है, पूरे रूम में एक ही प्रतिमा बनाई हुई है गांधी जी की गाइस, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा गांधी जी के बारे में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ओल्ड मॉडल की गाड़ी भी रखी हुई है, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ पर ही देख सकते हैं इस तरह का है कुछ। तो देखिए गाइस ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस आपको ये पूरा ही ब्लॉग किस कैसा लगा और किस टाइप का मेरे को बताइए, ऐसे ही ब्लॉग और चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो देखिए गाइस मेरे को सबसे खूबसूरत यहाँ पर ये लगा, देखिए काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ज्ञान की बातें हैं गाइस। और गाइस आपने जैसे कि ये तो सुना ही है, देखो बुरा मत, ये सभी ने सुना हुआ गाइस। तो गाइस आपने ये तो कहानी सुनी ही होगी सभी के मुँह से, गांधी जी के तीन मंदिर तो वो यही थे गाइस। तो देख सकते हैं गांधी म्यूजियम में वो ये रखे हुए देख सकते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको भी ये इस टाइप के, देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटली इंग्लिश ट्रांसलेट है देखिए। तो हर रूम में यहाँ पर गाइस एसी लगा हुआ है देखिए, और काफी ये भी दिखाना चाहूंगा गाइस आपको मैं, देखिए
देख सकते हैं गाइस, आप देख के पढ़ लीजिए, ये इनके बारे में लिखा हुआ है, हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो देख सकते हैं गाइस, खोखले और गांधी जी गुरु जी शिष्य देख सकते हैं गाइस। कुछ इस टाइप का है गाइस, ये दिखा देता हूँ आपको मैं घूम के, और ये रूम रहेगा। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बैठ के आराम से ये एयरफोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों में हिंदी में रहता है, इसमें इंग्लिश में रहता है, और यहाँ पर गांधी जी की ओरिजिनल, इनमें ओरिजिनल वॉइस प्ले होती है गाइस। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पर है। तो दोस्तों अभी चार रूम और बाकी रह गए, फटाफट जाना है, अभी टाइम भी हो रहा है और निकलना है, चार रूम और बाकी है। और इस जगह, ये जगह भी काफ़ी अच्छी लगी, गांधी जी की पत्र और हस्ताक्षर देख सकते हैं गाइस। ये तो दोस्तों काफ़ी, मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और काफ़ी शांति मिली यहाँ पर आके। ऐसा नहीं कि कहीं और आ गए, कि बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ। और एसी यहाँ पर, एसी भी हर रूम में देखिएगा, इसे टोटली लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस, ये देखिए गाइस, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर, नारायण भाई, नारायण भाई देसाई। तो गाइस आप देख सकते हैं, नारायण भाई देसाई है जो ये स्टोरी लिखते थे ना, गांधी कथा करते थे गाइस, देख सकते हैं। और यहाँ पर आके, यहाँ पे बैठ के भी आराम से सुन सकते हैं, और ये प्ले रहता है 24 आवर्स, आप देख सकते हैं। ये वही है ना, ये जो दिख रहे हैं, तो गाइस ये वही है नारायण भाई, देख सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश दोनों, मैं हिंदी में दिखाऊंगा आपको, ताकि बारीकी से अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा इनके बारे में लिखा गया है यहाँ पर गाइस। महात्मा गांधी के कथाकार, तो दोस्तों ये दिखाया गया है कि गांधी जी की जो यहाँ पर क्लासरूम होते थे, तो क्लासरूम और क्या क्या भैया बोलो, तो क्लासरूम में चीज़ें ऐसी रखी जाती थी क्लासरूम में, जो गांधी जी के टाइम पे गाइस
तो ये उस टाइम का दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये जो ये लगाए हुए ये गांधी जी के साइट के, इनका नाम क्या है जो गांधी जी के, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो भी गांधी जी के सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे लगाए हुए, तो देख सकते हैं गाइस ये हमारी किसी बिल्कुल, ये रिजल्ट है ना गांधी जी के, तो गाइस आप देख सकते हैं गांधी जी के रिजल्ट। तो देख सकते हैं गाइस ये गांधी जी के टाइम के, तो अटेंडेंस रजिस्टर गांधी जी के अटेंडेंस रजिस्टर है, और इसमें सर्टिफिकेट गांधी जी के आप देख सकते हैं गाइस, गांधी जी के टाइम का आप देख सकते हैं गाइस ये टोटली। और इस टाइप की क्लासें होती होगी गाइस उस टाइम की, तो काफ़ी अच्छा है अभी भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और ये टोटली गांधी जी के सर्टिफिकेट से है गाइस आप देख सकते हैं। तो दूसरी साइड भी गाइस, दो साइट है, तो ये दूसरी साइड पे ये देख सकते हैं गांधी जी के सर्टिफिकेट, वो भी आपको मैं बारीकी से ये भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस टाइप के, और ये लगभग लगभग सेम ना ना डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं। NGIEP as a tribute to its sustainable living as the entire world faces catastrophe. तो दोस्तों ये गांधी जी का प्रे रूम है, यहाँ पर प्रे होता था आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इतनी सारी चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये डेस्क स्पॉट लगा है देख सकते हैं, यहाँ पर प्रे होता था गांधी जी का। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके बताना, और इसके बारे में कोई डिटेल्स चाहिए तो मेरे को फिर भी बताना, जो भी होगा मैं, मेरे को पता नहीं होगा मैं पूछ के बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मेरे को इस यहाँ पर आके अच्छा लगा, और ये गांधी जी का प्रे रूम है आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने गांधी म्यूजियम में आके आपको जो भी दिखाए गांधी जी का, जो भी गांधी जी ने पूरी लाइफ में किया, जहां पढ़ा जहां गए, ये पूरा उसी जगह का टूर था, और ये वही जगह है जहां पे गांधी जी ने पढ़ा था गाइस, और ये है, ये जगह है राजकोट में गाइस। और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और इस ब्लॉग को अभी मैं यही एंड करता हूं गाइस, और आपको आई होप अच्छा ही लगा होगा ब्लॉग, मज़ा आएगा इस ब्लॉग में, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है गांधी जी के टाइम का, और गांधी जी के जो भी मैंने हिस्ट्री ऑफ गांधी जी है गाइस ये मैंने तो आप लोगों को सभी को बताया इसमें। इस ब्लॉग को मैं अभी यही एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर गाइस मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एक बात और गाइस, जिसको भी जो इसके बारे में पूछना बताइए, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको इस टाइप का, मेरे को पता नहीं, मैं जो भी यहाँ पर आके पूछ के बताऊंगा। और अभी निकलते हैं रूम को, तब तक बने रहे वीडियो में, बाय। तो गाइस आप देख सकते हैं गांधी म्यूजियम अंदर से कुछ इस टाइप का है, है ना दोस्तों। तो कैसा लगा आपको गांधी म्यूजियम का पूरा टूर दिया मैंने, और इसके आपको पूरी डिटेल से मैं जाननी है तो कमेंट करिए मेरे को गाइस, पूरी मैं डिटेल से बताऊंगा गुजरात राजकोट में कौन सी जगह वाला गांधी म्यूजियम है गाइस, मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट में पूरी डिटेल से बताऊँगा उसको। और ऐसे भी बता देता हूँ ये राजकोट में पड़ता है, राजकोट त्रिकोण बाग जवेली गार्डन है, त्रिकोण बाग के बाजू में 5 मिनट का रास्ता त्रिकोण बाग से गाइस, वहाँ से ऑटो में भी जाएंगे गाड़ी में भी तो आपको 5 मिनट जुबेली में लगेगा, जुबेली गार्डन का वहीं पे सामने ही ये गांधी म्यूजियम राजकोट गुजरात में है गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे गाइस रहे तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं काफ़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।